ओके, सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ डाउट क्लिनिक. दिस क्वेश्चन बेसिकली आस्किंग फॉर द एक्सेलरेशन. यहाँ पे अपने को एक वेज प्रॉब्लम कह सकते हो इसको आप, एक है ना, एक वेज है, उसके ऊपर दो ब्लॉक रखे हैं, एक कैपिटल एम का, एक स्मॉल एम का. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वहाँ पे हॉरिजॉन्टल से आपको थीटा दिया हुआ है और आपको स्मॉल एम का वहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, ठीक है ना. तो बेसिकली हमको सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर बताना हो जब सारे के सारे सर्फेसेस स्मूथ हों तो कैसे होगा, देखिए. ये आपका एक वेज है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और ये है स्मॉल मास m और ये है कैपिटल मास m. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको एक सिस्टम में बांध देता हूँ, ठीक है. सपोज दिस इज अ सिस्टम, तो ये क्या होगा, ये स्लिप होकर के नीचे आएंगे तो इनका एक्सेलरेशन कुछ होगा यहाँ पे. अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो m प्लस m इंटू जी, और इनके कंपोनेंट कैसे होंगे इसके मासेस के, कुछ इस तरह से भाई. ये 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, सब लोग जानते हैं इतनी बार. तो अपन यहाँ पे इधर वाला कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, m प्लस m कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m प्लस m इंटू जी साइन थीटा. यहाँ पे g लगाना भूल गए क्या अपन, ये लो ये g यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना. तो अब अपन ने एक सिस्टम माना हुआ है जो कि a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो हम जानते हैं यार न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, f इज इक्वल्स टू m a, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन द टोटल मास. तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है अपने पास, क्या एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में ये है हमारा नेट फोर्स, और वो है कितना, m प्लस m इंटू जी साइन थीटा अपॉन द टोटल मास इज m प्लस m, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे अपने को क्या मिलेगा, g साइन थीटा इज द एक्सेलरेशन. थैंक यू.